हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। मैं जा रही हूँ अभी कंघी करने। कंघी करने के बाद पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि मंदिर भी साफ करना है, क्लीन करना है, मतलब कि पूरा मंदिर पोछना है, भगवान जी को भी पोछ के बैठाना है। देव उठानी एकादशी है ना, तो वो पूजा वगैरह होती है ना, तो शाम को कबूतर बैठा है, सुबह से बैठ जाते हैं। शाम को पूजा वूजा होगी ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा मंदिर साफ कर लेते हैं। दिवाली के बाद से तो वैसे भी नहीं हुआ, तो मैं जा रही हूँ पूजा भी करनी है नहा के, और साथ में मंदिर भी साफ हुआ। अपने लिए वो सेट मंगाया था, को सेट वो पहनना है, और ढीला ढीला है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। देखने में जितना सुंदर लग रहा था, उतना ना पहनने में नहीं खेल रहा है, लेकिन हाँ फिर भी घर में तो पहनने लायक है ये। और यहाँ पर जो मैंने ड्रेस पहनी है, ये मुझे देखने में इतनी सुंदर लग रही थी, लेकिन मेरे ऊपर इतनी ढीली है कि मेरी तरह एक गर्ल्स और एडजस्ट हो जाएगी इसमें, तो बहुत ढीला है। पैंट तो चल जाता है लेकिन ऊपर वाला नहीं चलता है, लेकिन अब मैंने पहन लिया था, मैंने कहा अब कौन चेंज करे, पूजा वूजा कर लेती हूँ उसके बाद चेंज करूँगी, तो बहुत ढीला लग रहा है। आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा पीछे कितना ढीला है, लेकिन मैंने कहा पहन लेते हैं, हटाओ। और अभी इसमें फिटिंग नहीं की है, एक तो इतना पतला कपड़ा था ना इसका, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे फिटिंग करूं, और अभी उतार के रख दूंगी, फिर बाद में देखूंगी टेलर एलर के पास क्या कैसा है। फिर उसके बाद कंघी अंगी की, कंघी करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर मंदिर में साफ करने। वैसे तो मंदिर साफ ही है, नॉर्मल डेली कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा, बस वो क्या है कि भगवान जी की सारी तस्वीरों को पोछना था, तो मैंने गीली टॉवल कर ली, उसी से पोछ दूंगी, और बाकी मंदिर में कुछ नहीं है, क्योंकि अभी दिवाली के बाद मैंने सामान वामान सब नया ही रखा था भर के, और उसके पहले मंदिर साफ ही हुआ था, लेकिन फिर भी सामने सामने से पूरा पोछ दिया है मंदिर को अच्छे से। और स्टार्टिंग में मैंने ना देव उठानी एकादशी बोली थी, तो मुझे ना समझ में नहीं आया था कि ये देव उठानी एकादशी बोलते हैं इसके, या देव उठनी एकादशी बोलते हैं। हम लोगों के यहाँ ना ग्यास बोलते हैं, हम इसे ग्यास के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो स्टार्टिंग में मैंने जो भी बोला हो आप लोग समझ लीजिए क्या बोलते हैं। मैं तो बस ग्यास के नाम से जानती हूँ कि दिवाली के 11 दिन बाद जो बड़ी ग्यास आती है। और यहाँ पर मैंने सारे भगवान जी की जितनी तस्वीर थी वो गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दी हैं, और ये मंदिर वाला कपड़ा भी नीचे का मैंने पहले ही चेंज कर दिया था। एकादशी का सबसे अच्छा देखने वाला नज़ारा तो खाटू में होगा, क्योंकि श्याम बाबा उनका आज डे माना जाता है उनका, तो इस समय पर सबसे अच्छा नज़ारा एकदम जैसे दिवाली के टाइम वहाँ हुआ था अयोध्या में, ऐसा ही देवठानी एकादशी के टाइम हो रहा होगा खाटू में, एकदम अच्छा लगता है, काश कभी जाने का मौका मिले उस टाइम पर। और यहाँ पर मैंने साबूदाना सुबह ही फुला के रख दिए थे, कि मौसी बोल रही थी कि आज चावल अवल ना भगवान जी में चढ़ाए जाते हैं, नहीं खीर ही बनेगी, तो तुम साबूदाने की खीर बनेगी और उसी का प्रसाद लगा देना, लड्डू गोपाल जी को खिला देना, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने साबूदाना यहाँ पर रख दिए बनने के लिए, और वैसे भी हर एकादशी जो आती है ना, ग्यास आती है जो बोलते एकादशी बोलते हैं जिसको, एकादशी जो आती है उसमें हमारे यहाँ पर खाटू वाले बाबा के लिए ये खीर बनती है साबूदाना की, और प्रसाद लगाया जाता है। वैसे राजस्थान में तो खाटू वाले बाबा को सभी जानते हैं, घर घर में उनकी पूजा होती है, वैसे सब लोग जानते ही होंगे, और तो बस मतलब कि हमारे घर में उनको ज़्यादा माना जाता है, और जाते ही रहते हैं हमारे यहाँ से फैमिली से दर्शन करने वहाँ पर लोग, तो आप लोग तो जानते होंगे। तो वैसे मैंने ये खीर बनाई है साबूदाना की उन्हीं के लिए, आज उनका बर्थडे भी है, जन्मदिन। और यहाँ पर मेरी खीर बन रही है, मैंने इसमें चीनी वगैरह डाल दी है, तब तक मैं जा रही हूँ पूजा करने। और यहाँ चौबड़े में ये सामान खाली हो गया था, क्योंकि मैंने इसको धुला था, तो चावल वगैरह रख लेती हूँ। और
बस यहाँ पर पूछो तो हो गई है, मेरी खीर भी बन गई है, ठंडी हो रही थी किचन में रखाई थी तो अब मैं उसमें दूध मिला रही हूँ। मैंने हमेशा साबूदाना की खीर ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि वैसे दूध और पानी मिला के साबूदाना पकाती हूँ तो वो फट जाता है। मैं क्या करती हूँ, दूध अलग से बॉइल कर लेती हूँ, साबूदाना ऐसे पका लेती हूँ, उसमें मिला लिया है। और अभी मैंने साबूदाना को ना गाढ़ा गाढ़ा करके एक बाउल में निकाल लिया, ज़्यादा दूध नहीं डाला है क्योंकि मुझे उसे जमाना है, तो ठंडा भी हो जाएगा, जम जाएगा, मतलब कि एक केक के शेप में जमाना है कटोरी में। उसके बाद जो खीर थी उसमें मैंने दूध अच्छे से मिला दिया, एकदम पतली कर दी है। और आज के वीडियो में वरना आपको मेरा फेस काफ़ी डल डल सा दिख रहा होगा उतरा उतरा था, तो मैं बता दूँ आवाज़ भी थोड़ा सा एकदम, मुझे दो तीन दिन से कोल्ड था, उस वजह से क्या है कि मेरी आवाज़ और चेहरा उतरा हुआ है। और यहाँ पर खीर में मैंने ड्राई फ्रूट काट के डाल दिए हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से काटे हैं केक को डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि जो मैंने वो बाउल में साबूदाना रखा था फ्रिज में वो ना बिल्कुल सेट हो चुका है, तो मैं ना कटोरी के शेप में ये देखो बन गया मेरा केक, निकल नहीं रहा था, थोड़ा सा चिपका हुआ था ना तो आराम से निकल आया। फिर इतना साबूदाना गाढ़ा रहता है ना तो ईजिली जम जाता है वो, तो आप फ्रिज में ना रखो फिर भी जम जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये केक बन गया गोल गोल, और अनार से ऐसे इसकी डेकोरेशन हो जाएगी, तो ये क्रीम वाला आइटम आ गया अनार, तो इस तरह से मैंने केक को सजाया था। और छोटा सा बड़ा प्यारा लग रहा है, देखो सिंपल एकदम। और पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे इस तरह से बना के केक बनाऊंगी, मैंने कहा सिंपल खीर बना के और प्रसाद लगा दूंगी, लेकिन वो खीर साबूदाना थोड़े से जम जाते हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा साबूदाना रख के फ्रिज में जमा देती हूँ। तो ये देखो जम गया, सेट हो गया है, ठंडा भी हो गया। उसके बाद में मैंने इसे अनार से ऐसे सजा दिया तुलसी की पत्ती, और थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा दिया, पूरा केक लग रहा छोटा सा और बहुत प्यारा लग रहा है। चलो अब भगवान जी को भोग लगाते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा, मैंने इसको खा लिया। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत यम्मी लग रहा है। अच्छा, मन कर रहा है खा ले हैं? चलो पहले भगवान जी को खिलाते हैं, फिर तुम्हें भी खिलाएंगे। चलो चलो चल तो रहे हैं। हाँ, चम्मच नहीं ली क्या? तो मैं कर चुकी थी, प्रसाद वगैरह सब लगा गई थी, बस ये रह गया था। पहले मैंने सोचा खीर बनाई मैं उसी का प्रसाद लगा दूँ, लेकिन मैंने कि नहीं, जब मैं पूरा केक तैयार कर लूँगी तभी आके प्रसाद लगाऊंगी, तो जब घर में कुछ ना होता ऐसे भी केक बन सकता है। यहाँ पर मैंने प्रसाद लगा दिया और सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाया है। इस बहुत मम्मी आ रही है, जल्दी दे दो। इतना ज्यादा अच्छा पड़ी है खाने की, खाए चाहे ना बाद में उसे, देखो कितना पसंद आया है यार उनको छोटा सा केक ना खाना है। चलो लाओ, हम ये भगवान जी की चम्मच हम तुमको ला रहे हैं, आ जाओ। भगवान जी का बर्थडे, और यहाँ पर मैं अयन को देने जा रही हूँ, तो सबसे पहले आप लोग भी लीजिए ये प्रसाद, केक नहीं है प्रसाद है। मैं जा रही हूँ प्रसाद ले लेती हूँ, मौसी अभी नहाने गई है, और ये जितना अच्छा देखने में लग रहा था उतना अच्छा मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा है, ढीला ढीला लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं, घर में तो अच्छा लगेगा, पहन डालेंगे सिंपल थोड़ा सा। ये देखो लूज है, मेन बात ये है ना लूज है, इसलिए इसका फुल लुक नहीं दिख रहा।
और यहाँ पर हम दोनों भाई बहन बैठ के कर रहे हैं नाश्ता। और आज जब मैं सुबह उठी थी ना, तो ये देखिए बारिश हो रही थी सुबह। यहाँ का जो सीन था ना सामने का, वो बहुत अच्छा दिख रहा था। मतलब कि एकदम ओस ओस थी, धुआं धुआं से दिख रहे थे बादल पहाड़ के ऊपर धुआं धुआं से। लेकिन ये क्या कि जाल की वजह से क्लियर देख नहीं पा रहा है, तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बारिश ज़्यादा तेज नहीं हो रही थी। और इसी के साथ करती हैं ये वाला वीडियो। एंड वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियो ब्लॉग आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।